पास कोई ऐसा चमत्कार हो जाता कि हमारे बाल जो है एकदम से मोटे घने और लंबे हो जाते, बालों की झड़ने की प्रॉब्लम्स गायब हो जाती और जो झड़ गए बाल वापस आ जाते, आप भी ऐसा सोच रहे हैं क्या? तो आज का जो रेमेडी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसको लगाने के बाद आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा असरदार ये होम रेमेडी है, इसको लगाते ही आपको लगेगा कि बालों के लिए एकदम बेस्ट है ये घरेलू उपाय। आपके जो झड़े हुए बाल है दोबारा से आने लग जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी, बालों की झड़ने की प्रॉब्लम्स एकदम गायब हो जाएगी और बाल तेजी से लंबे घने और मजबूत होने लगेंगे, हेल्दी बाल हो जाएंगे, एकदम सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है फ्रेंड्स। ऐसी होम रेमेडी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि शायद ही आपने पहले देखा हो या फिर इस्तेमाल किया हो। इतना ज्यादा असरदार ये घरेलू तरीका आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ आपके बालों के लिए, बालों को मोटा घना और लंबा बनाने के लिए, साथ ही साथ हेल्दी और मजबूत बालों के लिए काफी ज्यादा असरदार है। तो आप भी जरूर यूज कीजिएगा इस रेमेडी को, जरूर अप्लाई कीजिएगा अपने बालों पे। आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम एकदम से छू मंतर हो जाने वाली है। और इतना ही नहीं, अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं, समय से पहले सफेद हो रहे हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। शैम्पू में बस कुछ चीजों को मिक्स करके हमें लगा लेना है इस तरीके से, और आपके जो है बालों की प्रॉब्लम्स एकदम गायब हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आज का रेमेडी, जो कि है हेयर केयर से रिलेटेड। शैम्पू में किस चीजों को मिक्स करना है, उससे पहले हमें ये रेमेडी तैयार करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें लेना है अलसी के बीज। फ्रेंड्स, अलसी के बीज काफी ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए, ये बालों के रूट्स को जो मजबूत बनाते हैं, यह साथ ही साथ बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जो बाल हमारे झड़ गए हैं उनको दोबारा से लाते हैं, यानी कि गंजेपन का एकदम 100% इलाज करता है ये। अगर आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, आपके बाल जो है दोबारा से आने बंद हो गए हैं, तो आप जरूर ट्राई कीजिए ये रेमेडी। तो उसके लिए 2-4 चम्मच के आसपास हम अलसी के बीज को भिगो कर रखेंगे, और इसके बाद और भी इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। काफी ज्यादा असरदार है ये होम रेमेडी, तो आप कम भी ले सकते हैं या फिर आप अपने बालों के लेंथ के अनुसार से बना सकते हैं इसको। फूलने के लिए उतना ही हमें रखना है, तो मैं 4-5 चम्मच ले रही हूँ। तो और भी मुझे रेमेडी बनानी थी, जैसे कि स्किन के लिए भी। तो उसके बाद हमें चाहिए होगा चावल, इस तरह का सफेद चावल हमें लेना है, और चावल को मैंने धो लिया था, और 2 चम्मच के आसपास हम लेंगे चावल, और इसको भिगोने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम रात भर के लिए छोड़ देंगे। और सुबह इसके लिए हम जो रेमेडी बनाने वाले हैं, तो इसका जो पानी होगा उसको हम यूज करेंगे। तो जब रात भर के लिए भीग जाता है अच्छे से, फूल जाता है अच्छे से, उसके बाद इसका पानी हम छान कर स्टोर कर लेंगे, और इससे आप कोई हेयर सीरम बना सकते हैं। और आज जो रेमेडी बता रही हूँ, अपने शैम्पू में किन चीजों को मिक्स करना है वो बता देती हूँ। तो उसके लिए इसके जो पानी है, जब ये अच्छे से फूल जाता है, फिर इसका पानी हम छान लेंगे। अलसी के बीज बालों के लिए फायदेमंद होते ही है, उसी तरह से चावल भी काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। बालों की जड़ों को एक्सफोलिएट करते हैं, बालों को सिल्की शाइनी बनाते हैं, और साथ ही साथ बालों में बहुत ही तेजी से चमक आ जाती है, बाल सॉफ्ट और मुलायम हो जाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से फूल चुका है, और जो पानी है वो थोड़ा सा गाढ़ा जैसे दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसको छान लेंगे, और जितना हमें जरूरी होगा, जितनी जरूरत होगी, उसी के अनुसार हम यूज करेंगे इस रेमेडी के लिए। और जो पानी बच जाएगा उसको हमें रख लेना है स्टोर करके फ्रिज में, और इससे आप फेस टोनर, हेयर सीरम वगैरह ये सब बना सकते हैं। और बहुत ही जल्द इसके और भी रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो जुड़े रहिएगा हमसे, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विथ बेल आइकन। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना हमें पानी लेना है, जितनी आपके बालों की लेंथ हो उसके अनुसार से हमें चाहिए होगा। तो लगभग 1 कप के अनुसार से मैं ले रही हूँ अलसी के बीज और चावल का भिगो कर जो मैंने पानी तैयार किया हुआ था। काफी ज्यादा असरदार ये होता है हमारे बालों के लिए, और एक बार में ही आप देखेंगे कि आपके बालों के झड़ने की प्रॉब्लम एकदम गायब हो गए। उसके बाद हमें चाहिए होगा एलोवेरा, तो फ्रेश एलोवेरा जेल हमें लेना है इस तरह से। एलोवेरा काफी ज्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, बालों को सॉफ्ट और मुलायम तो बनाता है, ये बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है और सफेद होने की समस्या को खत्म करता है, अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं समय से पहले तो, और बालों को बहुत ही तेजी से लंबा घना मजबूत बनाने में मदद करती है। तो आप, मैं थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूँ, तो आप थोड़ा कम भी ले रहे हैं एलोवेरा जेल, कम भी ले सकते हैं। इसको मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे और जेल फॉर्म में तैयार कर लेंगे। उसके बाद ये रेमेडी को आप
बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, और जब भी आप शैम्पू करें तो अपने शैम्पू में मिलाकर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए देख लीजिए, एलोवेरा जेल हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से एकदम फ्रेश एलोवेरा, और इतना ज्यादा असरदार भी होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। तो लगभग 2-4 चम्मच हमें लेना है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं हो तो आप कोई भी एलोवेरा ले सकते हैं जो आपके पास हो, लेकिन फ्रेश एलोवेरा बहुत ही ज्यादा जल्दी से वर्क करता है, अच्छे से वर्क करता है। और उसी समय इसको मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद ले लीजिए अपना फेवरेट शैम्पू जो भी आपके पास हो। कोई हर्बल शैम्पू हो तो और भी ज्यादा अच्छा है, इसमें पैराबेंस और भी जो केमिकल वगैरह ये सब होते हैं ना वो नहीं होने चाहिए। तो मैं ले रही हूँ बैद्यनाथ का ये है शैम्पू, और इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है। तो 1 चम्मच शैम्पू ले रहे हैं, तो आप अपने बालों के लेंथ के अनुसार से लीजिए। उसके बाद 1 चम्मच के आसपास हम हनी ऐड कर लेंगे। हनी बालों को बहुत ही ज्यादा चमकदार बनाता है, सिल्की स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है। केवल एक पान में ही आप चौंक जाएंगे अगर आप इस तरह से शैम्पू करें तो। आपके बाल एकदम सिल्की शाइनी और सॉफ्ट हो जाएंगे, और एकदम ऐसा लगेगा कि आपने कहीं बाहर जाकर हेयर स्पा कराया हो। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स कर लेंगे, नहीं तो आप बादाम का तेल ले सकते हैं हल्का सा, अगर आपका बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई रफ रह रहा हो तो। और इन सबको मिक्स कर लीजिए, और हो गया हमारा होममेड शैम्पू बनकर रेडी। होममेड नहीं फिर भी, और बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा ये हमारे बालों पे। और एक बार में ही आप पाएंगे कि बालों की झड़ने की प्रॉब्लम एकदम गायब हो गई, जैसा कि मैंने खुद फील किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो आप लोगों को बता रही हूँ। एक बार में ही मेरे बालों के झड़ने की समस्या गायब हो गई। जैसे कि अभी सर्दियां चल रही है और बालों को धोना एकदम मुश्किल काम लगता है इतनी ठंड में, तो आप एक बार ये शैम्पू करिए, हफ्ते में एक बार तो जरूर कीजिए, और बालों की समस्या एकदम गायब हो जाएगी। अलग से कोई भी मास्क आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है, कंघी कर लेना है। और 1-2 बाल मेरे अभी झड़ गए थे, जैसा कि सर्दियों में मैं विशेष रूप से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, एकदम ध्यान नहीं देती हूँ बालों की तरफ की, मतलब बाल धोना मेरे लिए बहुत ही टफ काम हो जाता है। बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है और गर्म पानी से धोना नहीं चाहते, फिर भी हल्का सा गर्म पानी लेना होता है, जैसे कि ज्यादा ठंडे पानी से भी बालों को नहीं धोना चाहिए। और उसके बाद देख सकते हैं इस तरह से शैम्पू कर लेना है। तो उतना माइंड मत कीजिएगा, मैं ऐसे ही आप लोग को बता रही थी क्योंकि बाथरूम में शूट नहीं कर सकती थी, इसलिए इस तरीके से आपको शैम्पू करना है कि आपको बालों की जरूरत तक ये रेमेडी पहुंचे। और हल्के हाथों से आपको मसाज भी करते रहना है, इससे क्या होगा बालों की जरूरत में अगर डैंड्रफ हो गई है, रूसी हो गई है, बालों की ग्रोथ अगर रुक गई है ना, तो जब आप मसाज करेंगे तो रूसी सब निकलेगी, डेड सेल्स खत्म होंगे, और एक तरह से एक्सफोलिएट करता है जैसे कि मैंने बताया, और बालों की जरूरत जो है एकदम से साफ हो जाएंगी। और इसके बाद झट से जाकर आपको वॉश कर लेना है, और फिर आप देखेंगे आपके बाल इतने ज्यादा सॉफ्ट हो गए, सिल्की शाइनी दिखने लगेंगे कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। और बालों में जैसे कि लगेगा आपने कंघी किया हो, अगर आप कंघी नहीं भी करें तो, और आपके बाल जो स्ट्रेट भी लगने लगेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स, कैसा लगा है आप लोगों को प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और जुड़े रहिएगा हमसे, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।